सही है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा और x इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन पर आपको nth डेरिवेटिव निकालने का तरीका सीखना है। तो आइए हम इसको जानते हैं कि nth डेरिवेटिव जनरली जब हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन का y जो बनती है एक्स और कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं लेकिन जब हम बात करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये y1 0 का क्या मतलब होगा कि the first derivative of fx अर्थात y at x equal to 0 ये y1 की कैसे लिखते हैं first derivative of y at x equal to 0। इसी तरह से हम देखें सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y at x equal to 0 की बात करें तो ये हो जाता है d2y/dx² at x equal to 0 या ये भी सकता है y2 at 0 या हम उसकी लिखते हैं y2 0 या f सेकेंड डेरिवेटिव 0। इसी तरह से हम आगे बढ़े प्रोसीडिंग इन दिस वे वी कैन राइट द nth डेरिवेटिव ऑफ y at x equal to 0 is equal to y n 0 is equal to 0 या f that is equal to 0 the n plus 1 derivative of y at x equal to 0 is y n plus 1 0 n सूत्र इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे और n डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम एक ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कोई भी प्रश्न दिया जाए और कहा जाए कि n डेरिवेटिव निकालिए at x equal to 0। अब जैसे मान लीजिए हम कोई प्रश्न लेते हैं एग्जांपल लेते हैं y is equal to sin x और कहा जाता है कि y n 0 का मतलब n डेरिवेटिव at x equal to 0 तरह निकालने के लिए कहा जाए। अब जरा देखिए अगर हम y1 करते हैं ये हो जाएगा आपका cos x और y2 करते हैं तो हो जाएगा sin x y3 करते हैं अगर हम y1 की बात करते हैं
y को जीरो की बात करते हैं ये हो जाएगा आपका जीरो, y3 जीरो की बात करते हैं ये हो जाएगा माइनस वन, ये y4 जीरो की बात करते हैं ये हो जाएगा जीरो, सॉरी हाँ जीरो। तो इस तरह से ये चीजें मिलती जाती हैं। तो हमारे पास ये मिल जाता है yn निकालना चाहे ये yn का मतलब क्या है। yn ये आप ध्यान से देखिए, जब ये आपका ऑड है एक दिया y1 है y3 है, इस तरह से ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है। जब ये आपका इवन है यानी y2 है y4 है तो ये जीरो आ रहा है, यानी कि आपको इवन ऑड के केस में लेने हैं। जब भी किसी प्रश्न में nth डेरिवेटिव पूछा जाता है at x = 0 तो ऐसे में आपके दिमाग में आना चाहिए कि हो सकता है कि ये दो केसेस बनाए और उसमें पहला केस लेंगे जब n इवन है तो yn जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जब n ऑड है तो yn जीरो की वैल्यू क्या आएगी, इसकी चर्चा आपको हर सवाल में करनी होगी, हर क्वेश्चन में करना होगा कि जब भी yn जीरो यानी कि nth डेरिवेटिव at x = 0 निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ये अंडरस्टूड है कि आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। जब n इवन n इज इवन तो yn जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, when n is odd तो yn जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों केस बना के ही आप कर पाएंगे। ये इस वास्ते मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें दोनों केसेस बना के फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम yn जीरो निकालेंगे उस फंक्शन को उस फंक्शन। तो आई एम स्टार्ट गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन। लेकिन ये मेंशन जरूरी करना होता है कि जब भी y n डेरिवेटिव निकाला जाए n डेरिवेटिव किसी फंक्शन का तो आपको ये देखना पड़ता है कि n इज ऑड या इज इवन, ये जरूर देखेंगे आप हर प्रश्न में। जैसे ये प्रश्न है हमारे पास, इसमें कैसे स्टेप्स आप लेड आउट करेंगे मैं आपको समझाता हूं। इस प्रश्न में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे और आप जो है क्या करेंगे यहां पर y इज टू y is equal to e to the power m pi
ये होती है वाली चीज। आप रहे हैं इसको छोटा ही छोटा। यहाँ ये बात बता दो कि ये सारे अभ्यास जो होता है जीवन के बारे में आपको रहता है पानी में इसको जरूरी है। ये था। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट करते हैं वाई मन मान फ्रॉम वन y naught is equal to e to the power m sin inverse x or m into sin inverse x equal to zero m into sin inverse x equal to zero करेंगे तो ये हमारे पास y naught is equal to उस अवरोध के इस्तेमाल से हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका m upon root of 1 minus x square। यहाँ ये भी कह सकते हैं y naught equal to m into y upon root of 1 minus x square ये further coming coming x equal to 0 x equal to 0 इसमें रखा है तो y then तो हमारे पास y 1 0 जो आएगा वो आ जाएगा m into y 0 upon m into y 0 upon root में 1 minus 0 या m upon 1 y root में मिल जाते हैं तो गला है to the power m y root ये आ जाएगा यानी y 1 0 का मान जो आप निकाल सकते हैं ये आ जाएगा m into to the power m y by 2 ये निकला इसको छोटा एक प्रश्न यहाँ करने के बाद सीधे आगे बढ़ते हैं। अब आइए since y1 is equal to m y square upon root over 1 minus x square this implies squaring the squaring means ये देता है 1 minus x square into y1 y square is equal to m square y square ये देता है। अब इसको पुनः हम इसको डिफरेंशिएट कर दें डिफरेंशिएटिंग एब वी गेट को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई वन बाई टू प्लस वाई वन का स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इनटू माइनस टू एक्स इफ यू प्लस इफ यू बोल m square into 2 y y या ये मिलेगा 1 minus x square y 2 minus x y 1 is equal to m square y ये मिलेगा h इसमें भी x equal to 0 भर दीजिए पुटे x equal to 0 पुटे x equal to 0 ये आएगा 1 minus y2 minus 0 into y1 is equal to m square y2 ये 1 into y2 is equal to 0 which is equal to 0 0 के तो जाएगा m square y0 y0 होता और इसका मतलब ये होता है m square e to the power m by y2 यहाँ से मिल गया y2 0 की वैल्यू मिल गई m square e to the power बाय इसको छोटा एक क्वेश्चन तीसरा तीन क्वेश्चन अब हम क्या करते हैं जरा मैं इसलिए भाई बता रहा हूं कैसे आपको कोशिश करना होगा इसको ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का उसको 2 बन देंगे 2 नाउ इधर से इक्वेशन ये भी इक्वेशन टू इक्वेशन टू को हम डिफरेंशिएट करेंगे यंग टाइम्स एंड यूजिंग लैग्रेंज थ्योरम वी ये आ जाएगा 1 माइनस
y n plus प्लस आप क्या जाएगा n y n plus 1 minus 2x plus n into n minus 1 factorial y n into minus 2 ये आपको पहले वाले का आएगा माइनस दूसरे वाले का आएगा n x y n plus 1 into x plus n into y n plus y n और लास्ट वाले का आएगा इक्वल ये तो आ जाएगा आपका m स्क्वायर y है m स्क्वायर तो y n ये थोड़ा इसको सिंपलीफाई किया जाए जब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये टू सी कैंसिल हो जाएगा ये आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन एन प्लस टू प्लस अब यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस टू एन एक्स कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आपका माइनस वन एक्स कॉमन हो जाएगा वाई एन प्लस वन हो गया और इसके बाद वाला जो टर्म होगा इसके बाद वाले टर्म की अगर बात करें हम लोग तो माइनस हम क्या देखें ये भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे ये आएगा n स्क्वायर माइनस n यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस n और ये माइनस तो प्लस n स्क्वायर और y n ये आइए हम कह सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर y n plus 2 minus 2n plus 1 x into y n plus 1 minus y n plus 0 y n square plus y n square y n plus 0 this is second equation तीन छोटे equations और तीन बड़े equations आपको पहले निकालने हैं तो मेरी समझ से यहाँ तक सबको क्लियर होगा एक बड़ा इक्वेशन लिया बड़े इक्वेशन से एक्स इक्वल टू जीरो भर दिया तो आपका ये छोटा इक्वेशन बन गया एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया डिफरेंशिएट करने के बाद से जो आया उसमें एक्स इक्वल टू जीरो भर दिया तो आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया फिर इसी को हम आगे बढ़ा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया और इसको स्क्वायर करने के बाद से इसको और डिफरेंशिएट किया ये y2 वाला इक्वेशन मिल गया इसमें x इक्वल टू 0 भर दिया ये तीसरा इक्वेशन छोटा मिल गया और इसी टू इक्वेशन को जो दूसरा इक्वेशन आपने लिया है इसी को हम n बार डिफरेंशिएट किए और लेफ्ट में जीरो लगाए तो ये हमारा ये तीसरा इक्वेशन मिल गया अब हम छोटे चौथे इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं ये आपका तीन छोटे इक्वेशन तीन बड़े इक्वेशन के बाद से आपको क्या करना होगा ये बात करने जा रहे हैं तो ये जो निकालने जा रहे हैं और इसके बाद से आपको क्या करना होगा इसको ध्यान से रखना इसमें करना होगा आपके पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री तो इक्वेशन बड़ा बड़ा थ्री निकाले इसी में आपको x इक्वल टू जीरो निकालेंगे ये आएगा वन माइनस जीरो y n प्लस टू जीरो माइनस पूरा जीरो हो जाएगा एक एक्स है जीरो हो जाएगा माइनस यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर और वाई एन जीरो जीरो ये यहाँ हम ये भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर वाई एन ये हो गया हमारा छोटा चौथा अब बड़े इक्वेशन की जरूरत नहीं छोटे इक्वेशन पर काम नहीं पाया बस ये अब जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे n माइनस तो n प्लस टू जो होगा वो आपका जीरो यहाँ लिखेंगे छोटे n जीरो n माइनस टू यही इक्वेशन को यदि क्वेश्चन को यू कैन गेट वाई एन जीरो
n minus 2 whole square plus m square y n minus 2 इसलिए ये फिर इसी में आगे पढ़ा जाए तो और भी क्वेश्चन मिलेगी ये आपका पांचवा क्वेश्चन है इसी तरह से रूटीन n is equal to n minus 2 इधर वाले n minus 4 रखा जाए तो ये भी क्वेश्चन तो वी गेट यू कैन गेट ये मिलेगा y n minus 2 0 is equal to ये मिलेगा n minus 4 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y n minus 4 0 ये आपको मिल सकता है पांचवा क्वेश्चन एंड सो एंड सो अब नाउ ध्यान देंगे नाउ टू फाइंड वाई एंड जी वी हैव टू कंसीडर two cases case one when n is odd इसका मतलब ये होगा that is n बराबर n minus n minus 3 less than 5, 3, 1. ये n is odd. So putting the values, putting the values n is equal to therefore putting the values of n minus 2 n minus 4 5 3 1 in equation आपने ये निकाला है फोर्थ इक्वेशन निकाला था ना फोर्थ इक्वेशन में ये फोर्थ हो गया ये फाइव हो गया और ये सिक्स इक्वेशन फोर्थ वीक ये मिलेगा वाई एन इक्वल एन माइनस टू होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर वाई एन माइनस टू जीरो y n minus 2 0 is equal to n minus 4 y square plus n square y n minus 4 0 and so y 5 रखते हैं n बराबर 5 रखते हैं 5 रखते हैं तो ये आएगा y 7 0 is equal to 5 y square plus n y square y 5 0 3 रखेंगे y 5 0 is equal to 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर ये हो जाएगा y 3 0 और 1 रखेंगे आपका तो 3 रखेंगे ये आ जाएगा अगर 1 रखेंगे तो जाएगा y 3 0 is equal to 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर ये हो जाएगा ये अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन से क्या चाहिए तो दस वी कैन गेट फ्रॉम एबो अब ये देखिए क्या करना है नीचे से चल सकते हैं ऊपर से भी आ सकते हैं नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं दोनों काम कर सकते हैं मैं आपको जैसा सुविधा होगा आप कर सकते हैं जैसे मैंने वाई एन जीरो पे यहाँ लिखना शुरू किया
और ये y n माइनस फोर इसके आगे आएगा, एक्सेस कर देना है। अब यहाँ जो आएगा यह आएगा फाइव का स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, यह आएगा y फाइव जीरो, y फाइव जीरो को हम नीचे सुखा लीजिए, ये हो जाएगा आपका थ्री का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर, ये हो जाएगा y थ्री जीरो, फिर y थ्री जीरो को हम यहाँ दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y वन जीरो, यहाँ तक y1। अब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास क्या मिला था जब ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास ये मिला yn 0 की वैल्यू ली, ये n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट्स दिस 5 का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर, और y1 0 की वैल्यू आपने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में, छोटा वाला इक्वेशन 1, वो आपको याद नहीं होगा, y1 की वैल्यू जो आपकी आई थी वो शायद आई थी यम e टू द पावर यम पाई बाई 2, यम e टू द पावर यम पाई बाई 2, ये आएगा, आप शायद माइनस भी आएगा, ये तो जब n odd है, इसका मतलब ये हुआ कि when n is odd, hence when n is odd, then y n is u is twice u is less equal, is size equal, you will have minus n. इस तरह से आप केस नंबर लिया और यह केस इवन के लिए, ऑड के लिए, अब हमको लेना है यह केस ऑड के लिए, सॉरी एक ऑड कर चुके हैं, अब यह केस इवन के लिए, तो दूसरा केस है केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करें when n is even, n is even लेने का मतलब हुआ n is equal to n minus 2, n minus 4, plus 4 or 2, ये होगा। तो ये equation जो आपको मिला है, इस equation में इसकी values बदलते जाएं, तो क्या आप ये अगर ध्यान से देखें, हम यहाँ लिखेंगे, putting n is equal to n minus 2, n minus 4, n 2, एक equation, equation 4 में कहते हैं v, ये तो आएगा y n तो कैसे ही आएगा, वो जाएगा n minus 2 का square plus 1 square और y n minus 2 0, फिर y n minus 2 0 की वैल्यू भी आएगी, n minus 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और y n minus 4 0, एंड सो ऑन, जब रखेंगे y जब रखेंगे 4, n बराबर जब रखेंगे 4 तो आपका n plus 2 यानी 6 आएगा, y 6 0 is equal to 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, y 4 0 आएगा, और n equal to 2 रखेंगे y 4 0 आएगा,
अब इसी को हम लिखें तो हम ये वैल्यू सुन सकते हैं इसके बाद था कि यहाँ क्या है फिर आ जाएगा n माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ऐसे आगे बढ़ रहा है ये आएगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर फिर ये आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और y टू जीरो को पहले यहाँ पर आपको इक्वेशन छोटा वाला टू से लिखना पड़ेगा एंड हेंस और इसलिए हमारे पास मिल गया hence when n is given then तब हमारे पास ये मिल गया by n is equal अब देखो इसको उलट दे इसको दस लिखना शुरू करें तो y की जीरो की वैल्यू y की यहाँ पे स्क्वायर की दिक्कत यहाँ पे माइनस पाई यहाँ जाएगा आपका टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ जाएगा आपका एन माइनस टू का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये इसका आंसर होगा ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी और इसका आंसर ऐसे हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि अगर माइनस में आया होगा वाई टू वाई टू वाई टू जीरो तो वाई टू यहाँ माइनस में होगा अगर प्लस में आया होगा तो आपका प्लस में होगा ये इसका आंसर तो ऐसे हम क्वेश्चंस को करेंगे और इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ फिर अगले वीडियो लेक्चर में और भी इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू